सोलन में किसानों को सहायता देने के लिए कृषि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। विभिन्न तरह की योजनाएं किसान उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से किसानों की आमदनी को दोगुने करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें जहां एक ओर किसानों को बीज खरीदने के लिए अनुदान मिल रहा है, वहीं कृषि से जुड़े औजार भी सब्सिडी पर किसानों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सिंचाई के लिए पानी के टैंक बनाने के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है। यही वजह है कि सोलन के किसान खुशहाल नजर आ रहे हैं। सोलन के बेहद कम किसान सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर हैं, क्योंकि गांव-गांव में सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत पानी के टैंक बनवा दिए गए हैं। अब किसान को विभाग द्वारा उन्नत किस्म के बीज बेहद कम दामों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते किसान बेहद खुश हैं। अधिक जानकारी देते हुए कृषि विभाग के अधिकारी हीरालाल आजाद ने बताया कि आजकल रबी की फसल लगाई जा रही है, जिसमें गेहूं, जोई और आलू की फसल शामिल है। सोलन के किसानों को आलू की फसल लगाने के लिए कृषि विभाग के विभिन्न केंद्रों में आलू के बीज उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि 51 रुपए प्रति किलो की दर से आलू और गेहूं 31.50 रुपए के हिसाब से दी जा रही है, जिसमें 16.50 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। 40 किलो के बैग कृषि विभाग के विभिन्न केंद्रों में उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि गेहूं के 550 क्विंटल, आलू के 300 क्विंटल और 45 क्विंटल जोई के बीज कृषि विभाग के पास हैं। हमारा मुख्यतः रबी की फसलें होती है गेहूं, चारे की फसल में जई होती है और आलू की मुख्य फसलें हैं। ये तीनों ही बीज हमारे पास उपलब्ध हैं। और जो हमारे विभिन्न विक्रय केंद्र है, जैसे ओझघाट में है, कुमारट्टी में है और मुख्य यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे, हम किसानों को मुहैया करवा रहे हैं। लगभग 550 क्विंटल गेहूं का बीज हमारे ब्लॉक में आया और 300 क्विंटल आलू का बीज आया और 45 क्विंटल के करीब जई का बीज हमारे पास उपलब्ध। शुरू में क्योंकि ड्राई स्पेल रहा तो जहाँ तो सिंचाई की सुविधा थी वहाँ तो किसान पहले बीज ले गए और उन्होंने बिजाई भी कर दी। जहाँ पे वर्षा आधारित कृषि है टोटली, वो किसान अब वर्षा होने के बाद आ रहे हैं और गेहूं, जई और आलू का बीज हमारे से ले जा रहे हैं और ये सभी बीज जो है वो किसानों को अनुदान पर उपलब्ध हैं। बीज हैं ये सारे ही अनुदान पर ही उपलब्ध हैं, आलू को छोड़कर। आलू 51 रुपये किलो के हिसाब से हम किसानों को दे रहे हैं और जो गेहूं है वो 31.50 रुपये प्रति किलो है, जिसपे 15 रुपये सब्सिडी है और 16.50 रुपये के प्रति किलो के हिसाब से किसानों को हम बीज गेहूं का उपलब्ध करवा रहे हैं। और 40 किलो की पैकिंग में है ये और 660 रुपये का बैग जो है किसान हमसे ले जा रहे हैं।